हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चल चलते हैं। नहीं यार, मुझे अकेले अंदर नहीं जाना है, सबको आने दे फिर चलते हैं। यार सर वेट कर रहे होंगे, चलना। अरे यार इसीलिए तो अकेले नहीं जाना है, और वैसे भी मुझसे तो स्पेशल प्यार है उनको। नहीं नहीं भाई, सबको आने दे, हम साथ में अंदर जाएंगे यार। अरे सर से मैं भी डरता हूँ लेकिन इतना नहीं, चल। यार पता नहीं हम लोग इनके साथ काम क्यों करते हैं। बिकॉज ही इज अ जीनियस। ठीक है खड़ूस है जो भी है, बट अपने काम में बेस्ट है, और ये बात तू भी जानता है। अरे यार लेट हो गए। सॉरी हम लोग लेट हो गए। वो सर ने हम लोग को, हम सबको इस समय समझ क्यों बुलाया यार, समझ में नहीं आ रहा वो। एग्जैक्टली यार, ऐसा भी क्या अर्जेंट काम आ गया जो हम सबको मैसेज करके यहाँ बुलाया है। वो सब पता नहीं, लेकिन सर ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ना, और वैसे भी सर का ऑर्डर है, मना तो नहीं कर सकते ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं सर क्या करेंगे। ए हेलो, वैसे भी इतना डरने वाली कोई बात नहीं है, हम लोगों ने थोड़ी ना कुछ गलत किया है, और वैसे भी हमारा लास्ट प्ले सुपर हिट था। Yes! तो उन्हें तो खुश होना चाहिए। या एक्चुअली सर ने हमें यहाँ पार्टी देने के लिए बुलाया। क्यों हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? चलो अभी कभी निकलो यहाँ से, बहुत हो चुका समझे। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ गए। अभी बुलाता हूँ मैं पुलिस को। ये क्या कर रहे हो? नहीं ये सर किस पे चिल्ला रहे हैं? I said stop it, गोली मत चला। सर चल 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 चल। दो गोलियां लगी बस छाती में, पॉइंट ब्लैंक। मतलब किला ज्यादा दूर नहीं था, ये शेल्स तो यहीं है, यहीं खड़ा हुआ कौन है? हाँ शायद इसीलिए ये पांच लोग जो नीचे खड़े थे उन्हीं को देख नहीं पाए, पर्दे भी लगे हुए थे। तुम सब सुबोध कुमार को कैसे जानते? सुबोध सर थिएटर के प्लेस डायरेक्ट करते थे, हम सब उन्हीं के साथ काम करते थे। मैं उनका असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैं भी। मैं उसमें लाइटिंग, लाइट वगैरह जो होती ना उसमें। मैं बैकस्टेज और कॉस्ट्यूम संभालती थी। और आलोक, जिसके पैर में गोली लगी थी, वो आर्ट डायरेक्टर थे। I can't believe it कि आलोक को गोली लगी है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ वो ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा है कि गोली पैर से आर पार हो गई, so he should be fine. जैसे ही आलोक को गोली लगी एकदम से भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ लोग तो सर सुबोध और आलोक के ऊपर से भागे, और ये हड़बड़ी मचाई इसने स्मोक बॉम्ब ने। स्मोक बॉम्ब तो फिर इसके धुएं का फायदा उठाकर खूनी यहां से निकल गया। अच्छा तो आप लोग में से किसी ने भी खूनी को यहां से भागते हुए नहीं देखा? नहीं, हम लोग तो खुद इधर उधर भाग रहे थे। इनफैक्ट मैं तो भागते हुए पार्ट के ऊपर गिर गई। तुम लोग इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहे थे? कोई रिहर्सल थी क्या? नहीं पता नहीं। नहीं मेरा मतलब है कि सर ने खुद हमें मैसेज करके यहाँ पे बुलाया था। जरा फोन दिखाइए। अरे यार
क्या हुआ? गर्मी है। मैं एसी ऑन करता हूँ। प्लीज। कमाल है, ये एसी को क्या हो गया? परसों तक तो ठीक था। कोई बात नहीं, रहने दो। All of you come to the rehearsal hall at 10 p.m. Do not be late. No excuses. तुम्हारे सर तो काफी स्ट्रिक्ट लगते हैं। मैम, काफी नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो फिर आप लोग काम क्यों करते थे उनके साथ? वो जैसे भी थे, he was a genius. बहुत सक्सेसफुल थे। जी, उनके साथ जितने भी लोगों ने काम किया है आज तक, उस सब के सब अपनी जिंदगी में सेट है। आपके सुबोध सर तो काफी सक्सेसफुल और टैलेंटेड थे। फिर तो उनके काफी सारे राइवल्स रहे होंगे। I mean, काफी सारे दुश्मन। हाँ, बहुत सारे लोग थे ऐसे जो उनको लाइक नहीं करते थे। ना दोस्त ना फैमिली, लेकिन दुश्मन बहुत सारे थे इस सुबोध के। शायद इन्हीं में से किसी ने मारा हो बदला लेने के लिए, तभी वो पहले से अपने साथ गन लेकर आया था। हाँ, और साथ में वो बॉम्ब्स भी। उसे पता था कि ये पांच लोग यहीं पर होंगे, इसलिए पूरी तैयारी करके आया था। ये प्लान्ड मर्डर। तुम लोगों के सिवाय और किस किस को मालूम था कि तुम लोग आज रात यहाँ पे आने वाले हो? नहीं, मेरे ख्याल से किसी और को नहीं पता था। उन्होंने हम ही लोगों को मैसेज करके बोला था कि यहाँ पे आने के लिए। सर, एक और आदमी था जिसको सुबोध जी ने मैसेज किया था, अभिषेक नाम है उसका। अभिषेक? ये सुबोध जी का मोबाइल है, मैसेज लिस्ट में अभिषेक का नाम है। कौन है ये अभिषेक? हमारी टीम का मेंबर था, बस संडे शाम को सुबोध सर ने उसे टीम से बाहर निकाल दिया था। क्या काम क्या करता था वो? सर, वो मेरे साथ बैकस्टेज संभालता था, प्रॉपर्टीज वगैरह। मतलब नाटक में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें उसके हाथ में थी, जैसे कि वो स्मोक बॉम्ब। तो मैसेज में तो क्लियर लिखा है कि ऑल ऑफ यू, मतलब वो जानता था ये अभिषेक कि तुम सब यहाँ पर होंगे। कहाँ रहता है अभिषेक? क्या बात है, आइए। आप लोग क्या जानना चाहते हैं? आप आइए। आप अभिषेक के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आइए। क्या हुआ सर, आप लोग सब यहाँ? अभिषेक कल 4 बजे से निकला हुआ है, वो घर नहीं आया। आपको क्या लगता है माजी, कहाँ गया होगा अभिषेक? हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया हो। नहीं नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया था मुझे, वो तो खुद परेशान थी, वो खुद जानना चाहती थी कि अभिषेक कहाँ है। पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? उसने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? देखिए, मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, पर वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। बहुत परेशान था वो, 2 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी और संडे को उसके बॉस ने बुलाकर उसे काम से निकाल दिया। वो ये सोचकर परेशान था कि ये सारी तैयारियां कैसे होगी। आपने उसको फोन नहीं किया था? फोन किया था, पर वो तो स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ होगा वो? मुझे मेरा बेटा ढूंढ कर दीजिए, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ जी, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, हम लोग अभिषेक को ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं होने देंगे उसे, रिलैक्स। आइए, आप अंदर आइए। प्लीज मैम, आप खुद को संभालिए, हम आपके बेटे को ढूंढ निकालेंगे। प्लीज। वैसे माँ तो आखिर माँ होती है, लेकिन सारे क्लूज अभिषेक की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो वो कल रात से गायब है, ऊपर से उसका फोन बंद है। एक काम करो, उसके फोन को ट्रेस करके उसकी आखिरी लोकेशन निकाल लो, पता तो चले आखिर वो गया कहाँ है। इट्स अ मैच। जिस गोली से सुबोध जी की मौत हुई और जो गोली आलोक के पैर में लगी, वो दोनों गोलियां एक ही गन से चली है। मतलब सुबोध का खूनी और आलोक के पैर पर जिसने गोली चलाई वो एक ही आदमी है। यस। लेकिन एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन? और डॉक्टर साळुंखे को? हाँ। मगर है क्या? ये
आलोक को जब गोली लगी तो कहाँ खड़ा था? उन्हीं के सामने खड़ा था और दरवाजा उसके पीछे था। इसका मतलब आलोक को सामने से गोली लगनी चाहिए। हाँ सर। यार तू साफ साफ क्यों नहीं बता रहा, क्या बात है? ये आलोक की मेडिकल रिपोर्ट, इसमें साफ लिखा हुआ है पैर में गोली पीछे की तरफ लगी और आगे की तरफ से निकल गई। मतलब खूनी आलोक के पीछे खड़ा था। जब सारी गोलियां आगे से चली है तो आलोक को गोली पीछे से कैसे लगी? कमाल है सर, एक ही टाइम पे खूनी दो दो जगह पे कैसे हो सकता है? उसने आगे से भी फायरिंग की और पीछे से भी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आलोक को और सुबोध को जो गोली लगी वो एक गन से चली थी और बाकी गोलियां किसी और गन से? नहीं अभिजीत, मैंने क्राइम सीन पर मिली सारी बुलेट्स और शेल्स चेक किए, वो सब के सब एक ही गन से चली है। वहां पर सिर्फ एक ही गन थी। जब खूनी सामने खड़ा था तो फिर आलोक को गोली पीछे से कैसे लगी? वहां बहुत भागम भाग मच गई थी सर, मुझे पता ही नहीं चला कि गोली कब और कहां से आकर मेरे पैर पे लग गई। तो तुमने देखा नहीं कि गोली किसने चलाई थी? नहीं सर, रूम में बहुत धुआं भर गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर अचानक से गोलियां चलने लगी। जब गोली आकर मेरे पैर पे लगी तो मैं जमीन पे गिर गया और तभी कोई मेरे ऊपर से भागा। मैंने झपट्टा मार के उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ पाया सर, उल्टा मेरा हाथ किसी चीज से लगा और कट गया। जमीन पे गिरे थे, तुम्हारे ऊपर से कोई भागा और तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो फिर तो सानी का जूता वगैरह हाथ में आया होगा, तो इसे हाथ कैसे कट गया? लोहा लगा था क्या जूते पे? सर जब हम अभिषेक के घर गए थे तो वहां उसकी एक फोटो लगी हुई थी और उसमें उसने एक शूज पहने हुए थे जिनमें से कुछ मेटल जैसा निकला हुआ था। सर हो सकता है उसी जूते से इसका हाथ कटा हो। तो ये अभिषेक ही है जिसने गोली चलाई और खून करके गायब हो गया और अब मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। पर यार अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस अभिषेक ने दोनों तरफ से गोली कैसे चलाई, आगे से भी और पीछे की तरफ से भी। यहां पे था पंकज और उसे गोली यहां पे लगी। सर गोली यहां से घुसी और यहां से बाहर आई है सर। जरा पीछे हटना, तो गोली यहां कहीं से चली? इस लैंप पे डेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली इस लैंप से टकरा के आलोक के पैर पे लगी? हाँ हो सकता है। लेकिन सर लैंप पे गोली इस एंगल पे लगी कैसे? अरे वो लोग बता रहे थे कि खूनी इस तरफ था, यहां से उसने गोली चलाई है, तो खूनी यहां खड़ा था और यहां से चली गोली। अभिजीत ये टेंट का निशान ऊपर से नीचे की तरफ है, जो एंगल है उसे लगता है कि गोली ऊपर की तरफ से चली है। ऊपर से नीचे मतलब खूनी सीलिंग पे बैठा था? सर ऊपर गोलियों के निशान है। गोली के सारे निशान सीलिंग पे? अरे लेकिन वो सीलिंग पे गोली क्यों चला रहा था? शायद खूनी किसी को मारना नहीं चाहता था, वहां से वो सीलिंग पे गोलियां चला रहा था, शायद हवाई फायर डराने के लिए।
और उनमें से एक गोली सीलिंग से टकराकर यहाँ इस लैंप पे लगी और लैंप से आलोक के पैर में पीछे की तरफ से लगी। हेलो, ओके, ग्रेट, थैंक्स सर। सर, अभिषेक की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसका फोन स्विच ऑफ होने से पहले कांदी विले में था, पिंक शूज बार में। ये आदमी आता है यहाँ पे? हाँ सर, ये कल आया था इधर। वैसे कभी कभार आता रहता है यहाँ। ये आदमी अकेला आता है यहाँ पे या कोई और भी था साथ में? अकेला ही था साहब। आप लोगों को ये मिल जाए ना तो मेरे को भी बताना साहब। क्यों, क्या हुआ? अरे साहब, कल वो बिल के पैसे चुकाए बगैर भाग गया। वो बोला बाथरूम जाके आता हूँ, फिर वो वापस आया ही नहीं, भाग गया वहां से। मेरे को अपनी जेब से पैसे चुकाने पड़े सर। अरे तो तुम भागे नहीं उसके पीछे उसको ढूंढने के लिए? मैं भागा था साहब, लेकिन वो वहां था ही नहीं। वो पीछे की तरफ से भाग गया होगा, चुप कर चोरों की तरह। वैसे ऐसा कभी वो करता नहीं है सर। कितने बजे निकला था वो यहाँ से? करीब करीब रात के 8:15 बजे मैडम। टाइम तो बहुत था उसके पास रिहर्सल हॉल जाके सुबोध जी को मारने के लिए। बाथरूम किस तरफ है? वहां साहब। कल रात को इस आदमी को देखा था? अरे ये हिलते हुए निकला था अंदर से। मैंने सोचा हमेशा की तरह हमें से किसी ऑटो में जाएगा, लेकिन फिर उसे एक लड़की मिल गई। ऐसे दिखती थी वो? कल बारिश बहुत हो रही थी और अंधेरा भी हो गया था तो ठीक से दिखाई नहीं दिया। लड़की थी वो मालूम है? वो आई और वो दोनों चले गए। किधर, किस तरफ गए? इस तरफ। थैंक यू, थैंक यू। सर ये जूता, ऐसा जूता तो अभिषेक पहनता था। जिंदा है? उठ, उठ। पानी मारते हैं इसको। कौन है तुम लोग, मुझे यहाँ लेके क्यों आए? मेरा जूता किधर है? शूज, शूज। तुम लोग कौन है, तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हारा जूता कहाँ है, ये सब बाद में। पहले ये बताओ तुम्हारे शर्ट पे सुबोध का खून कैसे आया? सुबोध सर का खून? तुम लोग कौन हो, इधर क्यों लेके आए? हम लोग कौन है? हट, देख, दिख रहा है? सीआईडी, टन 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 टन। मैंने कुछ नहीं किया। चुप, मुंह बंद, कोई बकवास नहीं। अभिषेक, कल रात 10 बजे सुबोध का खून हुआ है, किसी ने गोली मार दी उसे। तुम्हारे सारे टीम मेंबर्स वहां थे, सिर्फ तुम नहीं थे। कहां गायब हो गए थे और क्यों? और जब तुम मिले, तुम्हारी शर्ट पे सुबोध जी का खून लगा हुआ था। सर ये आप लोग क्या बोल रहे हैं सर, मैंने सुबोध सर को नहीं मारा। चलो ठीक है, लेकिन तुमको सुबोध सर का मैसेज आया था ना, तो गए क्यों नहीं? मुझे कोई मैसेज नहीं आया सर। झूठ बोलने से पहले 2 बार सोच ले। तेरा फोन हम लोगों ने चेक किया है, मैसेज आया भी है और तूने उसे पढ़ा भी है। सर मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। पीने के बाद थोड़ा भूल जाता हूँ, कुछ याद। लेकिन सुबोध को मारना नहीं बोले तुम। और भूलता भी कैसे, सुबोध से बदला लेना था ना तुम्हें, हा? नौकरी से निकाल दिया था ना उसने तुम्हें? हाँ सर, गुस्सा आया था मुझे, उन्होंने मुझे बिना वजह काम से निकाल दिया। मगर सुबोध सर को मैंने नहीं मारा सर, बिलीव मी सर, सच बोल रहा हूँ सर। कैसे बिलीव करें, तुम तो पीने के बाद आधी बात भूल जाते हो। बाहर से निकलने के बाद तुम्हें जो लड़की मिली उसके साथ बैठ के प्लान बनाया होगा तुमने सुबोध को मारने का, हा? कौन सी लड़की, कौन सा मैसेज सर, मैंने खून नहीं किया है सर। चलो मान लिया,
कि तुमने सुबोध का खून नहीं किया। सुबोध के खून के छींटे कैसे तुम्हारे शर्ट पर? सर मुझे कुछ पता नहीं। ए, नाटक नहीं यहाँ पे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ ड्रामा करोगे हम लोग मान जाएंगे? खून करके स्मोक बॉम्ब फेंक के ये धुएं में गायब हो गया। इसके हाथ में स्मोक बॉम्ब के केमिकल के ट्रेसेस मिले सर। खूनी यही है। नहीं नहीं पंकज, ये अभी पक्का नहीं कि खून इसी ने किया। लेकिन एक बात पक्की है बॉस, सुबोध का खून कल रात को 10 बजे नहीं हुआ। ये तो क्या बात कर रहा है पंकज? मैं ये कह रहा हूँ बॉस कि सुबोध का खून कल रात को 10 बजे नहीं बल्कि परसों रात को 10 बजे हुआ है। 24 घंटे पहले? अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? वो पार्थ, सीमा और वो आलोक, वो जो 5 लोग थे, उन लोगों ने कल रात 10 बजे सुबोध जी का खून खुद अपनी आंखों से होते हुए देखा है, और आप कह रहे हो इनका खून परसों रात को हुआ है? हाँ, ऐसा ही कैसे हो सकता है भाई? अरे कैसे भी हो सकता है लेकिन हुआ ऐसा ही। लेकिन सालूंगे साहब, उन 5ों ने जो देखा वो क्या था? मुझे नहीं मालूम वो क्या था, लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सुबोध की मौत परसों रात को हुई है 10 बजे, और इसकी एक वजह भी है। डॉक्टर तारिका, ये क्या है? टैश नोयर। टैश नोयर मतलब? पंकज, मरते वक्त अगर किसी की आंखें खुली रह जाती तो उनके आंखों के प्यूपिल्स के नीचे एक ब्राउन कलर की पट्टी बन जाती है। आंखों के अंदर जो नमी होती है वो सूखने लगती है, मॉइस्चर खत्म होने लगता है, और इसीलिए ये प्यूपिल्स के नीचे ब्राउन पट्टी आती है जिसे टैश नोयर बोलते हैं। और मरने के बाद जितनी देर तक ये आंखें खुली रहती है उतनी इस पट्टी का कलर डार्क होता जाता है। यार मुद्दे की बात कर सालूंगे, इसका मतलब क्या है? मुद्दे की बात ये है बॉस कि ये देखो, ये टैश नोयर का कलर देखो, इसकी डार्कनेस ये बताती है कि इसकी मौत कल रात को नहीं बल्कि परसों रात को हुई। लेकिन सालूंगे साहब, जब हमें सुबोध जी की बॉडी मिली थी तो इनकी आंखें बंद थी। शायद आपके आने से जस्ट पहले खूनी ने इसकी आंखें बंद कर दी होगी। शायद ये हुआ हो, शायद वो हुआ होगा। अरे यार तुम्हारी बातों में कुछ दम ही नहीं है, गलती कर रहे हो तुम दौड़ के। मैं गलती कर रहा हूँ? हाँ तुम। मतलब ये साइंटिफिक एविडेंस को तुम गलत बता रहे हो? जी हाँ। कमाल कर रहे हो यार, मतलब फॉरेंसिक जांच को तुम ठुकरा रहे हो, गलत बता रहे हो। देख समझे, फॉरेंसिक एविडेंस की बात नहीं है, गलतियां इंसान करता है समझे। लेकिन मुझसे गलती नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ यार। तू क्या भगवान समझता अपने आप को? भगवान नहीं हूँ लेकिन तू भी एक्सपर्ट तो हो। गलती नहीं कर सकता यार, ये क्या बात कर रहा है? अच्छा एक बात बताओ सर, अगर ऐसा है तो जब हमें इसकी बॉडी मिली तो इसका टेम्परेचर तो काफी कम होना चाहिए ना? और सर 2 दिन में तो बॉडी सड़ चुकी होती, सिर्फ घर पे ही नहीं आस पड़ोस में भी बदबू फैल गई होती। किसी डेड बॉडी को संभालना इतना मुश्किल काम थोड़ी ना है दया। खूनी ने इनकी बॉडी को शायद किसी फ्रीजर या 0 डिग्री टेम्परेचर में रख दिया होगा। देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ जो बार बार कह रहा हूँ कि इसकी मौत कल रात को नहीं हुई बल्कि परसों रात को हुई है, रात को 10 बजे। बल्कि कल रात को 10 बजे 5 लोगों ने अपनी आंखों से देखा है सुबोध की मौत होते हुए, समझे? मुझे उन 5 लोगों की आंखों पर भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी आंखों पर भरोसा है बॉस। और तुम जानते हो लाश कभी झूठ नहीं बोलती है। तो सर उन 5 लोगों ने, उन 5 आई विटनेसेस ने जो देखा वो क्या था? अब ये मत कह देना सर कि वो होलोग्राम था या वो 3D इल्यूजन वगैरह, ये मत बोलना सर। देखो बॉस, 3D था, होलोग्राम था, जो कुछ भी था, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि वो सुबोध नहीं था, क्योंकि सुबोध तो पहले ही मर चुका। अब ये सुबोध भी नहीं था? जी हाँ, वो सुबोध नहीं था, और ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और कोई भी अगर मेरी बात को झुठला देगा तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। सर, डॉक्टर सालुंके की बात अभी तक तो कोई गलत प्रूव हुई नहीं है, पता नहीं इस बार वो कहीं सच में रिजाइन ना कर दे। कुछ कह नहीं सकते, हमने साथ में इतने केसेस सॉल्व किए हैं पर कभी डॉक्टर साहब को इतने जोश में बहुत कम देखा है। अरे यार वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी सबूत के हिसाब से हमारे लिए जो प्राइम सस्पेक्ट है वो है अभिषेक, और सर वो लड़की भी जो अभिषेक के साथ बाहर से निकली थी। वो भी एक काम करो, इस अभिषेक की कॉल लिस्ट चेक करो। देखो फोन बंद होने से पहले किसी को फोन किया था क्या, या किसी का फोन आया था? और अगर फोन आया था तो उस नंबर को ट्रेस करके लड़की का पता चल सकता है। लेकिन सर अगर
सालोंगे सर की बात सच निकली तो? अगर सच निकली तो हम पागल हो जाएंगे, और अगर झूठ निकली तो वो। सर मैं ये सोच रही हूँ कि वो ये बात प्रूफ कैसे करेंगे? अरे यार सुना है बहुत सारे मिरर्स और लाइट्स मंगवाए हैं सालोंगे साहब ने, डॉक्टर तारिका बता रही थी। क्यों क्यों सर? आई एम श्योर ये तो उनके अलावा कोई और जानता नहीं होगा, डॉक्टर तारिका को भी नहीं। अभिषेक का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसे इस पीसीओ से फोन आया था और कुछ 45 सेकंड तक बात हुई थी किसी के साथ। कल रात 8:15 बजे किसी ने यहाँ से फोन किया था, आपको याद है किसने किया था? कल रात 8 बजे हाँ एक लड़की आई थी ना। लड़की? ये देखना ये थी क्या ये लड़की? चेहरा तो मैंने नहीं देखा, जोर से बारिश हो रही थी और वो छाता लेकर खड़ी थी, लेकिन हाँ बातें सुनी मैंने उसकी। क्या बोल क्या रही थी वो? कह रही थी बहुत परेशान हूँ मैं, मेरी मदद करो। ये सब सुन के बहुत अजीब लगा मुझे। क्यों? उसे देखकर ऐसे लग नहीं रहा था कि वो बहुत परेशान है, वो तो बहुत खुश लग रही थी और हाँ नंबर डायल करते हुए गाना भी गा रही थी वो। अच्छा कुछ और बता सकते हो उसके बारे में? सर वो तो एकदम मजे कर रही थी, वो दारू की फ्लास्क होती है ना उसमें कुछ डालकर वो शेक कर रही थी। मतलब उसने ये सब प्लान कर रखा था, वो ड्रिंक उसके लिए नहीं था अभिषेक के लिए था। उसने फोन करके अभिषेक को फंसा के यहाँ बुलाया और वो ड्रिंक उसे पिला दी जिसमें वो नशीली दवाई या कुछ भी ऐसा कुछ मिला के रखा था। और सर शायद अभिषेक उस लड़की को जानता भी था इसीलिए उसने उसके हाथ से ड्रिंक ले भी ली और फिर पी के बेहोश हो गया। उसके बाद उसने अभिषेक के कपड़े पे सुबोध का खून लगा दिया इसीलिए अभिषेक को कुछ याद नहीं क्योंकि वो तो नशे में चूर था। मतलब डॉक्टर सालों के सही कह रहे थे अभिषेक को फंसाया जा रहा है, खूनी तो कोई और ही है। क्या सालों की क्या हो गया तुझे हैं? ये कोई काम करने का तरीका है? तेरी हालत देखी तूने? डॉक्टर साहब डॉक्टर तारिका कह रही है कि आपने एक से पानी भी नहीं पिया। सालू के साहब आप अगर ऐसा काम करते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। और नहीं तो क्या, बच्चों जैसे जिद करता है, कोई भूत घुस गया इसके अंदर? नहीं भूत घुसा नहीं है, भूत सर पर सवार हो गया बॉस, मेरी खोपड़ी बना रही। इतना करीब हूं मैं सच के लेकिन बस मैं जानता हूं ये आंखों का दिखावा है, कोई इनको इल्यूजन है। खूनी ने कैसे किया इसे क्रैक नहीं कर पा रहा, और जब तक मैं इसे क्रैक नहीं कर लूंगा मैं शांति से नहीं बैठूंगा। बस प्लीज प्लीज यार सालूंगे मेरी बात तो सालू सालू क्या अगर डॉक्टर सालूंगे की बात सच है तो मतलब उस रात यहाँ जो कुछ भी हुआ वो झूठ था, दिखावा था, सिवाय उन गोलियों और स्मोक बॉम्ब के, वो सच में यूज हुए थे, वरना रूम में धुआं नहीं होता और ना ही आलोक के पैर में गोली लगती। तो खूनी यहाँ था ना सर? नहीं वो इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा। तो फिर सर गोलियां किसने चलाई और सर स्मोक बॉम्ब किसने फेंका? वही तो पता करना है। रेडी? ये विटनेसेस के हिसाब से स्मोक बॉम्ब इस तरफ से आए थे। मतलब खूनी वहां खड़ा था? खूनी नहीं, जिसने वो बॉम्ब फेंके वो चीज वहां चीज। और गोलियां यहाँ इस तरफ से चली थी। हम लोग अभी तक ये मान रहे थे कि खूनी शायद यहाँ पे खड़े होकर गोली चला रहा था छुपकर। सर आपने तो कहा था कि खूनी यहाँ था ही नहीं। खूनी यहाँ पर नहीं था मगर उसने यहाँ पर कोई ऑटोमेटिक मशीन या ऐसी कोई चीज यहाँ पे रख दी होगी जो फायर करती है। एक काम करो यहाँ पे स्प्रे करके देखो गन पाउडर के ट्रेसेस मिलते हैं क्या।
अफ्रेडी तुम इस सोफे से लिपट जाओ। हाँ? अरे ठीक से चेक करो इसको यहाँ, ठीक है? काम नहीं कर रहा यहाँ का ऐसे। तो पंकज भी रो रहा था, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। मैं एसी ऑन करता हूँ। ये एसी को क्या हो गया? परसों तक तो ठीक था। और उन आई विटनेसेस ने कहा कि दो दिन पहले तक तो ये एसी ठीक ठाक काम कर रहा था, अचानक कैसे खराब हो गया? बस लगता है कॉम्प्रेसर चल गया है। कंप्रेसर तो जलेगा ही, क्योंकि किसी ने इसे बहुत देर तक बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में लगातार चला के रखा था, ताकि लाश को सड़ने से बचा सके। तभी जब वो लाश मिली थी तो उसका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल था, ताकि लोगों को लगे कि खून अभी अभी हुआ है। सर, आप रेडी? सर, शायद इस सोफे पे कुछ बंधा हुआ था, किसी ने जोर से खींचा है, लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा इसमें रह गया। शायद ये उसी मशीन का टुकड़ा होगा जो स्मोक बम फेंक रही थी। हो सकता है। सोफे का पार्ट तो है नहीं है। सर, कबर्ड में गन पाउडर के ट्रेसेस हैं। उसने कोई ऑटोमेटिक फायरिंग मशीन फिट की होगी अंदर। उस मशीन का एम सीलिंग की तरफ होगा, तभी जितनी गोलियां चली हैं सब छत पे जाके लगे। सर, लेकिन वो मशीन ऑपरेट कैसे कर रहा होगा? ट्रिगर उसने रिमोट कंट्रोल यूज किया होगा, ताकि लोगों को लगे कि इस कमरे में खूनी है तो गोलियां चला रहा है। लेकिन सर, खूनी इतनी मेहनत करेगा क्यों? ताकि किसी को शक ना हो कि खून होते वक्त को यहाँ पे था। पर इतना तो साफ हो गया है, खूनी उन्हीं पांचों में से कोई है, क्योंकि ये पांचों ही है जिन पे शक करना लॉजिकली बेवकूफी है, क्योंकि फायरिंग तो सामने से हुई थी, राइट? सर, आई एम श्योर ये कोई लड़की, वही जिसने अभिषेक को फोन करके बाहर से बुलाया था। सर, लड़कियां तो दो ही है, एक सीमा, दूसरी विनीशा, दोनों में से किसी एक ने किया होगा। जो भी है, बहुत जबरदस्त प्लानिंग की है उसने। पहले सुबोध का खून किया, फिर उनकी बॉडी को वहां दूसरे कमरे में एयर कंडीशन रूम में रख दिया, और यहाँ इस कमरे में मशीन लगा के नाटक के लिए तैयार किया, और इस सब में अभिषेक को फंसा दिया, उसके शर्ट पे सुबोध जी का खून लगा दिया। उसके बाद एसी वाले कमरे से उनकी लाश को लाके यहाँ इस कमरे पे रख दिया, ताकि उनका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, और फिर सुबोध जी के फोन से सबको SMS भेज दिया, और फिर इंतजार किया तमाशा शुरू होने का। सर, हमने सबकी मोबाइल लोकेशन चेक की थी, पूरे दिन उनमें से कोई भी यहाँ नहीं था, सबके सब कोई और थे। किला बहुत स्मार्ट है पूर्वी, जिसने इतनी बड़ी प्लानिंग की उसके लिए एक लोकेशन को फेक करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ओके सर, ठीक है, सब मान लिया, अभिषेक को इस सब में फंसाया गया था, ये स्मोक बॉम्ब्स, बुलेट्स, ये सब मशीन से चलाई गई थी। लेकिन सर, अभी भी एक चीज है जो एकदम दिमाग में खटक रही है। सर, क्या? उन पांचों ने हमें बताया कि सुबोध से कोई बहस कर रहा था, मगर सुबोध तो पहले ही मर चुका था, तो फिर उन पांचों ने देखा क्या? पंकज, मैं बताता हूँ क्या था वो। सालूंगे साहब, आपको पता चल गया? हाँ, पता चल गया। क्या था वो? अरे थोड़ा इंतजार करो यार, एक काम करो, सबसे पहले उन पांचों विटनेसेस को बुलाओ यहाँ पर, जल्दी तुरंत। अरे लेकिन बताइए तो सही। टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत सारा काम करना है, बुलवाओ उन पांचों लोगों को, क्विक 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 बुलवाओ। क्या हुआ सालूंगे साहब, घोड़े पे सवार है, लॉटरी लगी है? सर, ये सब हो क्या रहा है, और हमें आप लोगों ने यहाँ क्यों बुलाया है? तुम सभी लोगों से मुझे एक जरूरी सवाल पूछना है, इसलिए। क्या? क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम सब ने सुबोध का खून होते हुए देखा? हाँ सर, और ये बात तो आपको पहले भी बता चुके हैं। अरे सॉरी सॉरी भाई, माय मिस्टेक। चलो आपके लिए एक सवाल मैं आसान कर देता हूं, क्या तुम सब ने सुबोध का ही खून होते हुए देखा है? हाँ सर, हम सब लोग वहीं पे थे, हम लोगों ने सुबोध सर को ही देखा था। सर, यू मीन वो सुबोध सर नहीं बल्कि कोई और था?
उनका डुप्लीकेट और समथिंग। नो वे, ऐसा हो सकता है क्या? हम सुबोध सर को पहचानने में गलती कर सकते हैं? एग्जैक्टली सर, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है। अरे भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम सब बेवकूफ हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो ये कह रहे हैं। ये सब क्या है? आंखों का धोखा। तुम लोग वही देखोगे जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ठीक ऐसा ही धोखा उस रात सुबोध का जब खून हुआ तब तुम्हारी आंखों ने खाया था। तुम सब पेपर्स घोस्ट से धोखा खा गए। पेपर्स घोस्ट? पेपर्स घोस्ट, ये क्या है? लेकिन ये सब किया किसने? तुम लोगों में से किसी एक। ये सब क्या था सर, और ये सब कैसे हुआ? 100-150 साल पुराने ट्रिक है। जो कुछ आप लोगों ने देखा वो नजर का धोखा था, एक इल्यूजन था। एक प्रोजेक्टर से एक फिल्म प्रोजेक्ट की गई एक स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन का एंगल कुछ इस तरीके से रखा गया ताकि जो इमेज उस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट की जा रही थी वो एक रियल लाइफ इमेज लगे। ऐसा ही उस रोज हुआ। हो रहा प्रोजेक्टर, उस प्रोजेक्टर से सुबोध जी का फिल्म इस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया गया और आप लोगों को सुबोध जी का एक रियल लाइफ इमेज दिखाई दिया ताकि तुम लोगों को लगे कि वाकई सुबोध वह मौजूद था, किसी के साथ झगड़ा कर रहा था। उस रात सुबोध जी का खून नहीं हुआ था, उनके मर्डर की फिल्म चल रही थी। उनका खून तो एक दिन पहले हो चुका था। एक दिन पहले? लेकिन सर, हमें तो वहाँ कोई प्रोजेक्टर दिखा ही नहीं। जैसे गोलियां चलाने और स्मोक बॉम्ब फेंकने के लिए मशीन यूज की गई थी, वैसे ही खूनी ने प्रोजेक्टर को कहीं छुपा दिया होगा। बिल्कुल, प्रोजेक्टर को कहीं छिपा दिया गया था। और ये देखिए, जिस रूम में सुबोध जी का खून हुआ वहां पर मुझे मिला ये, जानते हैं क्या है? ये स्क्रीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। लेकिन सर, ये सब हम में से किसने किया? इसका जवाब तो तुम में से कोई एक देगा। तुम में से? ये देखो, सर इन सबके चेहरे की हवा तो उड़ी हुई है। हाँ पूर्वी, सिवाय दो लोगों की, आलोक और विनीशा। यार तुम लोग तो बहुत बहादुर हो सर, ये लोग तो डरे ही नहीं। ये क्या बोले जा रहे हैं आप लोग, और हम ऐसा करेंगे भी क्यों? मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तुमसे ज्यादा और किसे पता होगा, तुम ठहरे एक आर्ट डायरेक्टर, विजुअल इफेक्ट्स, प्रोजेक्शन, लाइट्स, इन सब के बारे में तुम्हें तो अच्छी खासी नॉलेज होगी ना? क्यों? और इस प्लान में तुम्हारा साथ दिया तुम्हारी पार्टनर विनीशा। नहीं नहीं, ये क्या बकवास है? हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप सब हमें जबरदस्ती फंसा रहे हैं। हाँ, और नॉलेज भी है हमें तो क्या, मतलब हम खूनी हो गए। ये बढ़िया है, ये सब फालतू का नाटक कर रहे हैं आप लोग। मुझे देरी हो रही है, तुम लोगों को इनकी बकवास सुनी है तो सुनो, मैं जा रहा हूँ। चलिए हटिए। हम भी हटाने आए हैं समाज का कचरा। सुबोध सर को एक नया प्रोजेक्ट मिला था अमेरिका में। मैं बहुत खुश था कि पहली बार हमें किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे अपने साथ ले जाना तो दूर। सुबोध सर ने मेरा मजाक उड़ाया,
कहते हैं कि हमने एक घटिया आर्ट डायरेक्टर को एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करने के लायक नहीं, एक लो बजट घटिया प्रोजेक्ट में काम करने के लायक हो। वो चाहते नहीं थे कि हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। उनका पागलपन साहब, उनका सनकीपना सब बर्दाश्त किया और बदले में उन्होंने मेरी बेइज्जती की। तो मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें बता दूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए विनिशा के साथ मिलकर सुबोध को मारने का प्लान बनाया। ये सुबोध जी की रिकॉर्डिंग कैसे हाथ लग गई तुम लोगों के? वो रिकॉर्डिंग एक्चुअली हमने की थी। कुछ दिन पहले मैंने सुबोध सर से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक सीन रिहर्स करके दिखा दीजिए। सर ने एक्टिंग करी और इसने रिकॉर्ड कर लिया। और खून कब किया? 2 दिन पहले मैंने उन्हें अपने घर बुलाया था ड्रिंक्स के लिए। मैंने अपनी ड्रिंक उनके शर्ट पे गिरा दी थी और दूसरी शर्ट दी थी बदलने के लिए। सेम वैसी ही शर्ट जिस शर्ट में तुमने उनकी रिकॉर्डिंग की थी और उसके बाद उनका खून कर दिया। पूरा तमाशा खत्म हो जाने के बाद तुमने रूम में जाके सारी मशीन निकाल ली और उस बेचारे अभिषेक को फंसा दिया। प्लान तो बड़ा अच्छा बनाया था तुम दोनों ने, क्यों आलोक और विनिशा, है ना? लेकिन भूल गए तुम कि हमारे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है ना डॉक्टर साळुंखे, उन्हें आज तक कोई फंसा नहीं सका। तुम्हारे पेपर्स गोस्ट भी अब जेल में सड़ते बैठना, सोचते बैठना कि और कोई नया प्लान कर सकते थे क्या। ले जाओ इन दोनों को। हाँ जी, कहा था ना मैंने, या तो साबित कर दूंगा नहीं तो नौकरी छोड़ दूंगा। कहा था ना? यार सोचा था इस बार छुटकारा मिल जाएगा इससे। थैंक यू वेरी मच साळुंखे। यार रेजिग्नेशन मत लिखना, अगली बार देखते हैं। है लेकिन जालिम चीज है ये। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।